सिकुड़ती जा रही बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी को बचाने के लिए क्षेत्र के लोगों का सत्याग्रह जारी है, जिसे ध्यानाकर्षण सत्याग्रह नाम दिया गया है। इसी सत्याग्रह के तीसरे चरण की शुरुआत राज्य स्थापना दिन के दिन यानी आज की गई है, और जिसके तहत इंद्रावती नदी के पुराने पुल के पास सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक यानी कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सांकेतिक धरना दिया गया और इंद्रावती नदी बचाव मंच के सदस्यों ने नदी के पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि नदी के संरक्षण के लिए प्राधिकरण गठन की घोषणा के 6 महीने बीत जाने के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम शुरू नहीं किया गया है, इसलिए इंद्रावती को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से सांकेतिक धरना और आंदोलन किया जाएगा। हमारे साथ आशुतोष तिवारी जुड़ गए हैं, सौरा संवाददाता जगदलपुर से। आशुतोष, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जो जीवनदायिनी नदी है इंद्रावती को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ उनका अगला मूवमेंट रहेगा और तीसरा चरण चल रहा है, और आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट इस पूरे मामले में। तरीके से पहले से ही इंद्रावती नदी के लिए लगातार लड़ाई लड़ते आ रहे हैं बस्तरवासी, क्योंकि जो गर्मी के मौसम आते हैं उस वक्त जो इंद्रावती नदी है वो पूरा सूख जाती है, पूरी तरह से सूख जाती है, पानी नहीं रहता वहां पर, जिससे किसानों से लेकर सभी कोई प्रभावित होता है उससे, उसको लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो 6 महीना पहले जो लगातार पदयात्रा चल रहा था, इंद्रावती नदी बचाओ आंदोलन जो चल रहा था, उसमें जो नई सरकार बनी थी, कांग्रेस की नई सरकार बनी थी, उस वक्त प्राधिकरण की गठन भी किया गया था इंद्रावती नदी का विकास करने के लिए, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं और उसके बाद भी अभी तक ना ही किसी अधिकारी को नियुक्त किया गया है और ना ही कोई टीम बनाई गई है इसकी विकास करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही है। और आज जो छत्तीसगढ़ का जो आज स्थापना दिवस था, आज के दिन ध्यान आकर्षण करने के लिए जो बस्तर के जो लोग हैं जो इंद्रावती नदी जो बचाओ आंदोलन जो कर रहे हैं, वो आज ध्यान आकर्षण करने के लिए लगभग 7 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर आधे पानी में खड़े रहे, ताकि सरकार एक बार और उठे और देखे कि इंद्रावती नदी जिनका उन्होंने ऐलान किया था कि अब इस नदी का विकास होगा और इंद्रावती नदी सूखेगी नहीं, तो बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार ने घोषणा तो किया था प्राधिकरण विकास का, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई भी काम फिलहाल अभी नहीं हो पाया है और ना ही किसी टीम की गठन किया गया है यहाँ पर। और बता दें कि गर्मी के मौसम में यह नदी सूख जाती है। हैरानी वाली बात है कि जिस तरह प्रशासन की बात करें, आला स्वर की बात करें, उनका इस ओर ध्यान नहीं जा रहा, जबकि जो आम लोग हैं वो लगातार इसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में देखने वाली बात यह होगी कि जो जीवनदायिनी नदी है इंद्रावती, उसको बचाने के लिए शासन प्रशासन का भाग जाता है।